Hey there, welcome to another episode of Coding with Codecat 15. This is Ravi. In today's session, we are going to understand any and any object. Now, before I begin with this session, I would like to request you that if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, I would request you to please do subscribe to the channel and share it with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. Let's have a quick look at the topics we are going to cover today. सबसे पहले विल अंडरस्टैंड आइडिया बिहाइंड any and any ऑब्जेक्ट विल हैव अ डेमो फॉर बोथ ऑफ दैम क्लास प्रोटोकॉल बनाते वक्त हम अक्सर क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं लेकिन हम एनी ऑब्जेक्ट का यूज भी कर सकते हैं सो विल डू अ क्विक चेक कि क्लास प्रोटोकॉल के लिए रिकमेंडेड अप्रोच क्या है क्या हमें क्लास की यूज करना चाहिए या एनी ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल वी विल ऑल्सो डिस्कस सम इश्यूज विथ एनी एंड एनी ऑब्जेक्ट एंड फाइनली वेन यू शुड बी यूजिंग दैम थ द आइडिया बिहाइंड एनी एंड एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सी में वैल्यू टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग इज रेफरेंस टाइप एंड आज भी ऐसे कुछ पॉर्ट है जो ऑब्जेक्टिव सी में लिखे हैं और उन्हें हम स्विफ्ट प्रोजेक्ट में इजिली यूज कर सकते हैं एंड दिस इज नोन एज इंटर ओपरेबिलिटी विच इज डन थ्रू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रिजिंग होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव सी टाइप्स है जैसे एन एस स्ट्रिंग वो कन्वर्ट होते हैं टू स्विफ्ट स्ट्रिंग टाइप ज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ वॉट ब्रिजिंग डज फॉर अस और इसी वजह से आप ऐसे पॉर्ट यूज कर सकते हो जो लिखे तो ऑब्जेक्टिव सी में है बट यू कैन इजिली इंटीग्रेट दम इन योर स्विफ्ट प्रोजेक्ट लेकिन इस ब्रिजिंग प्रोसेस में एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था सो इन दिस एग्जाम्पल जो एन एंग है वी नो दैट इट इज अस इन ऑब्जेक्टिव सी एंड क्लासेस आर रेफरेंस टाइप और जो स्ट्रिंग है स्विफ्ट में इट इज अ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर आर वैल्यू टाइप सो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ए रेफरेंस टाइप इन टू ए वेल्यू टाइप कन्वर्जन में इंटरनली होता क्या था कि ऑब्जेक्टिव सी रेफरेंस टाइप आई डी टाइप के थ्रू कन्वर्ट होते थे टू एनी ऑब्जेक्ट इन श्फ्ट टू पॉइंट जीरो वर्जन और एनी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टाइप यानी क्लासेस के लिए ही बनाया गया है सो यू कैन सी द प्रॉब्लम इज समाइम्स दिस कन्वर्जन वॉज फाइन बट देन टाइम्स इट कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वाइल कन्वर्टिंग ए रेफरेंस टाइप

And product is over here. So right now what I'll do is I'll just run the application. So I have the console, hai, sare ke sare jo variables se unki value print here. So now what I would like to do is I would like to replace all this type with any. So let me go ahead and do that. I'll copy this, paste. Any. so let me scroll below and run this so there is no difference here so we can see that jo any type M, it works fine with literally anything in swift chahe wo value type ho ya reference type now i'm not very sure if you have observed this so let me stop this and let me scroll over here jab main any type karta hun, to jo xcode ka intelligence hai wo mujhe nahi hai ki jo any hai. is it a class is it a structure is it a protocol or is it a type alias it's actually blank over here So let me go ahead and search the documentation for this. So let me select this. Documentation में भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. The only thing that I found out for any was in the typecasting documentation of Apple, जहां it's mentioned that any represents literally anything in Swift and even function types. और इसे जस्ट अभी हमने हमारे एग्जांपल में अब्जर्व किया था. जो any है वो reference और value type इन दोनों के साथ work करता है. एक्चुअली हम एनी टाइप को हमारे स्विफ्ट प्रोजेक्ट में बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं वो बात अलग है हमारा ध्यान उस पर कभी गया नहीं सो अलाउ मी टू शो इट टू यू चेक दी आई बी एक्शन उसका जो सेंडर पैरामीटर है इट इज ऑफ द टाइप एनी वन मोर प्लेस वेर वी यूज एनी इज प्रिपेयर फॉर सेगवे द सेंडर पैरामीटर इज ऑफ द टाइप एनी नाउ लेट्स ट्राई द सेम थिंग विद एनी ऑब्जेक्ट एज पर एपल्स डॉक्यूमेंटेशन इट्स जो एनी ऑब्जेक्ट है इट इज अ प्रोटोकॉल जिसे हर क्लास बाई डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करती है So what I'm hoping to see is agar main any object value type ke sath use karu to error ana so let's go ahead and try it out so over here what I'll do is I'll replace any with any object and as you can see swift is not liking this because jo integer hai a value type hai. and jo any object hai, it works only with reference type and not value type so let me change this and in the case of employee employee is a class and class are reference type वट आल डूल रिप्लेस दिथ एनी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्विफ्ट ने हमें कोई एरर नहीं दिया एंड एवरी थिंग लुक्स गुड अब एक सवाल यहाँ पे यह हो सकता है कि अगर एनी सब टाइप को हैंडल कर सकता है तो हम सब जगह एनी क्यू नहीं यूज करते वेल well, इसका आंसर एप्पल ने खुद दिया है उनके डॉक्यूमेंटेशन में इन द टाइप कास्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एप्पल ने यह क्लियरली मैंशन किया है यूज एनी एंड एनी ऑब्जेक्ट ओनली वेन यू एक्सप्लेटली नीड द बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज दे प्रोवाइड

और जो एनी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ रेफरेंस टाइप यानी क्लासेस के साथ वर्क करता है एंड वी नो कि एनी एंड एनी ऑब्जेक्ट को क्यू इंट्रोड्यूस किया था वट रोल दे प्ले नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्लास प्रोटोकॉल को आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो वन इज विद हेल्प ऑफ क्लास की वर्ड एंड अदर इज विद हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल एंड दिस इज हाउ द कोड विल बी इमेज वन में प्रोटोकॉल इज इनहेरिटिंग यूजिंग द क्लास की वर्ड एंड इन द इमेज दू इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट क्योंकि अब हमारे पास दो तरीके हैं सेम गोल को अचीव करने के लिए वी नाउ है क्लास एंड एनी ऑब्जेक्ट है सेम मीनिंग एंड द फर्दर सजेशन इज टू जस्ट कीप एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रपोजल आई थिंक आने वाले रिलीजेस में एप्पल में नॉट अलाउड ऑफ क्लास की वर्ड टू डिक्लेयर क्लास प्रोटोकॉल and i think agarab class protocol use currevo project mein, and uh, if you're using swift 4 or above it's a good practice to use any object to declare class protocol now let's talk about the problems with any and any object and for that let's switch to xcode so over here i have a variable named result which is of the type any or I have a value 15 now let me run this so over here console that the value which is printed is 15 now what i want to do is i want to update this value to

जितना हो सके उतना स्पेसिफिक रहो अगर रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो मेक श्योर यू डिक्लेयर रिजल्ट एज ऑफ द टाइप इंट एंड नॉट एनी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज विद एनी ऑब्जेक्ट सो लेट मी क्लोज दिस लेट मी डिलीट दिस कोड और यहाँ पे आई डिक्लेयर ए क्लास नेम एम्प्लॉय विच इज गोइंग टू हैव ए प्रॉपर्टी नेम्ड एम्प्लॉय नेम विच इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रवी नॉल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑफ द टाइप जहां पे हम लोग एज ए एम्प्लॉय लिखने वाले थे आल जस्ट गो एड एंड एड एनी ऑब्जेक्ट इन दिस केस इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय एंड दैट्स इट. नो वट एल डू इज आल ट्राई टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी सो लेट मी डिबक प्रिंट दिस ओ बीजे क्लास डॉट एम्प्लॉय नेम सो ओवर हिर वी आर गेटिंग एन एर बिकॉज जो एनी ऑब्जेक्ट है इट ओनली चेक की जो रेफरेंस उसे असाइन हुआ है इफ इट इज अ क्लास और नॉट So, in order to access employee name, what we have to do is we have to typecast obj class to employee. So, let's go ahead and do that. So, I'll say if let result is equals to obj class as employee and then debug print result employee name. And let me comment this out. So, this is definitely some extra work that we have to do. To Access a simple property which I'm sure is very easy if the OBJ class variable would be declared as an employee and not as any object. So, these are some of the behaviors of any and any object which I think you should be aware of so that you mature a mature decision when you plan on using them. Otherwise, you may end up having unwanted surprises in your code. So, now the question must be that we any or any object. Ko kab use karna I think any has a very good use case with dictionaries. डिक्शनरीज में जो की है इट कैन बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप बट जो वैल्यू है इट कैन लिटरली बी एनी थिंग सो आई वुड यूज एनी विद डिक्शनरीज बिकॉज आई कैन स्टोर मल्टीपल टाइप्स इन माई डिक्शनरी विद हेल्प ऑफ एनी एनी ऑब्जेक्ट को मैंने अभी तक सिर्फ क्लास प्रोटोकॉल को डिक्लेयर करने के लिए ही यूज किया है एंड मेरी यही ओपिनियन है कि आप जितना हो सके उतना एनी और एनी ऑब्जेक्ट के यूज को अवॉइड करें एंड बी एस स्पेसिफिक एज यू कैन इन योर कोड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट योर ग्रुप। दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी बाय बाय।